मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर कार्यों को किया जा रहा है। इन्हीं में मुरादाबाद के दिल्ली रोड नेशनल हाईवे 0 पॉइंट भागबड़ा पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एंट्री गेट बनाया जा रहा है। एंट्री गेट के निर्माण कार्य के चलते मुख्य मार्ग को वन वे किया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य द्वार के निर्माण का कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य के जारी रहने के चलते दैनिक यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इस बिंदु को ध्यान में रखकर पागबड़ा 0 पॉइंट पर राजमार्ग को वन वे किया गया है। दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन वन वे होकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की ओर से आने वाले वाहन नया मुरादाबाद की गोल चक्कर से होते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय की तरफ गुजारा जाएगा। इसलिए गोल चक्कर के आसपास सड़क निर्माण को बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इस बिंदु को ध्यान में रखकर कार्यों को किया जा रहा है। गोल चक्कर के आसपास नई सड़क तैयार की जा रही है। चौड़े रोड हैं और इन चौड़े मार्गों से होकर वाहन आराम से अपनी मंजिल तक जा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने जनमानस से अपील भी की, विकास कार्यों में सहयोग करते हुए दैनिक यात्री इस मुख्य मार्ग से होते हुए अपनी यात्रा को सुगम करने का काम करें। जनता का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारा यही प्रयास है कि हम अपनी जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सकें। देखिए, प्राधिकरण द्वारा 0 पॉइंट पर एक भव्य गेट का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत SP ट्रैफिक से ये अनुरोध किया गया था कि वह ट्रैफिक के सुलभ संचालन के लिए निर्माण प्रक्रिया के दौरान भी आवश्यक कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को मुरादाबाद जाने के लिए नया मुरादाबाद योजना जो प्राधिकरण की है, इसमें जो स्थित रोड है उसके माध्यम से दोबारा मुरादाबाद की तरफ ले जाया जाना प्रस्तावित है। और इसी प्रकार से मुरादाबाद की तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो भी इसी प्राधिकरण की नया मुरादाबाद योजना का रोड का उपयोग करके दिल्ली की तरफ जा सकेंगे। और इसी क्रम में ये जो वैकल्पिक मार्ग है इसको बहुत अच्छा और सुदृढ़ीकरण करने का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इसमें ये पेड़ों की छटाई का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि वृक्ष काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, इनकी प्रूनिंग कराई जा रही है। जो भी स्ट्रीट लाइट है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। बीच में गोल चौराहे पर जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगने की संभावना रहती है, वहाँ पर भी हाईमास्ट लाइट लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से और ट्रैफिक को रेगुलेट करने की दृष्टि से। तो ये एक आदर्श व्यवस्था होगी और किसी भी शहर के नागरिक को गेट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जनमानस से मेरी अपील है कि जो भी निर्माण विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे हैं उसमें आवश्यक सहयोग प्रदान करें और किसी प्रकार की जिद आदि कॉन्ट्रैक्टर से ना करें कि हम उसी मार्ग से चल के जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से और जो बनाई जा रही बिल्डिंग है उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी बनाए रखने की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि जनता जो है विकास कार्यों में सहयोग करे और इस परिवर्तित मार्ग का उपयोग ही आवागमन के लिए करे, तभी गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराया जा सके।